हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रियांश गैराज। तो भाइयों, आज हम बात करेंगे टाटा सफारी के 2023 न्यू फेसलिफ्ट वर्जन के बारे में। यहां पर आपको अब न्यू फेसलिफ्ट में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। अभी आप इसके XT प्लस वेरिएंट को देख रहे हैं, जिसकी प्राइसिंग की बात कर ली जाए 19,63,000 रुपये इसका एक्सशोरूम प्राइस है। और अब आपको XT प्लस वेरिएंट में भी काफ़ी सारे फीचर्स ऑफर किए जाएंगे, जैसे 18 इंचेस के डायमंड एंड 8.8 इंच का टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम। तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इसके कलर ऑप्शन है, तो यहां पर आपको ऑर्कस व्हाइट, रॉयल ब्लू, डेटोना ग्रे, ट्रॉपिकल मिस्ट एंड गोल्ड, ऐसे कलर ऑप्शन आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। 15,65,000 से इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है, 25,02,000 का मिलेगा आपको इसका टॉप मॉडल। काफी सारे वेरिएंट्स आपको ऑफर किए जाएंगे, बट अभी आप इसके XT प्लस वेरिएंट को देख रहे हैं। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो 2000cc का आपको क्रियोटिक डीजल इंजन ऑफर किया जाता है, जिसमें आपको 170 PS की पावर एंड 250 Nm का टॉर्क और 16 तक की माइलेज मिलती आपको इसके डीजल इंजन में। ऐसी कुछ आपको की ऑफर की जाएगी। पीछे आपको टाटा की ब्रांडिंग, यहां पर आपको लॉक अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प, बूट ओपनिंग ऑप्शन दिया जा रहा है। दोनों आपको स्मार्ट की ऑफर की जाती है, बिकॉज इसमें मिलती है आपको कीलेस एंट्री। अब बढ़ते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर की तरफ। तो ये है इसकी सामने की पूरी फ्रंट प्रोफाइल। सेंटर में काफी बड़ा सा टाटा का लोगो क्रोम में मिलेगा आपको। ऐसी कुछ आपको स्लो फिनिश में ग्रिल एंड यहां पर आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाएगा टेरो डिजाइन में। फुल ब्लैक फिनिश में लोअर ग्रिल, सिल्वर फिनिश की स्किट प्लेट के साथ एंड नीचे का पूरा ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हैं। नाइट विजिबिलिटी की बात कर लें तो आपको XT एंड टॉप सब में यही सेटअप देखने को मिल जाता है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको ऑफर किए जाएंगे, काफी अच्छा आपको थ्रो मिलेगा। ऊपर मिलता है आपको ड्यूअल फंक्शनल DRL एंड इंडिकेटर आपको इसी में ही मिल जाएगा। हाई बीम के लिए हेलोजन हेडलैम्प्स, यहाँ पर आपको मिलते हैं फॉग लैम्प्स। सामने से आपको ऐसा कुछ फ्रंट फेशिया नजर आने वाला है। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लें तो 205 mm का आपको यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाएगा। एंड सामने का बोनेट एरिया आप देखेंगे काफी यहाँ पर लंबा रखा गया है, तो काफी बल्कि से आपको लुक्स मिलने वाले हैं। काफी बड़ी सी मिलती है आपको विंडशील्ड, यहाँ पर ड्यूअल वाइपर विद ड्यूअल वॉशर का सेटअप, रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको ऑफर किए जाएंगे। रूफ में मिलता है आपको पैरानोमिक सनरूफ, रूफलेस, पीछे पावर एंटीना। अब बढ़ते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड सेक्शन इसके XT प्लस वेरिएंट को, तो अब आपको XT प्लस में 18 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा ह्यूज लगते हैं साइज में देखने में। ऐसे कुछ टाटा का लोगो, इतना कुछ स्पेस। टायर सेशन की बात कर ली जाए तो यहां पर आपको 235/60R18 का पूरा टायर सेशन देखने को मिल जाएगा। टायर्स के ऊपर मिलती है आपको काफी चौड़ी सी ब्लैक कलर की क्लैडिंग, ये है इसके ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में ऑटो फोल्डेबल ORBMs। अब आपको ऑटो फोल्डेबल का ऑप्शन दिया जा रहा है। यहां पर आपको इंडिकेटर्स, आप इनको अंदर से पूरा एडजस्ट कर सकते हैं। ए पिलर मिलता है आपको ऐसा कुछ बॉडी कलर पे, ये इसकी रूफलेस। बी पिलर मिलता है आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में, ये इसके बॉडी कलर पे डोरलेस रिक्वेस्ट सेंसर के साथ, बिकॉज इसमें मिलती है आपको कीलेस एंट्री। डायमेंशन वाइज देखा जाए तो यहां पर आपको 4661 mm की लेंथ मिलेगी, 1894 mm की विड्थ मिलेगी एंड 1786 mm की यहां पर आपको हाइट ऑफर की जाती है। व्हील बेस की बात कर लें तो 7 सीटर कार है, 2741 mm का आपको व्हील बेस ऑफर किया जाता है। स्पेस कितना मिलेगा कैबिन में वो हम लोग आगे प्रॉपर कवर करेंगे। ब्रेकिंग की बात कर ली जाए तो फ्रंट और रियर दोनों में आपको ब्रेक्स ऑफर किए जा रहे हैं। रूफ रेल्स में आपको सफारी की बैजिंग मिलती है साइड में, ये इसका फ्यूल फिलर कैप, 50 लीटर की मिलती है आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी। एंड रियर से भी आप देखेंगे तो काफी बल्कि से आपको लुक्स मिलेंगे, आप टॉप या सेकंड टॉप में पहचान नहीं पाएंगे आप कौन सी गाड़ी यहां पर देख रहे हैं। काफी बड़ी सी मिलती है आपको विंडशील्ड, ये इसका स्पॉइलर, सेंटर में हाई माउंट स्टॉप लाइट, यहां पर वॉशर, वोकर फॉर लोकल का स्टीकर, डिफॉगर वाइपर, सारे फीचर्स ऑफर किए जाएंगे। टाटा का लोगो, यहां पर ग्लॉसी में फिनिशिंग, यहां पर रिवर्स कैमरे की प्लेसमेंट, सफारी की बैजिंग, दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। टेल लैंप्स की बात कर लें तो LED में आपको टेल लैंप्स ऑफर किए जा रहे हैं, इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट आपको इसमें जाएगी। नीचे मिलते हैं आपको रिफ्लेक्टर्स। बढ़ते हैं बूट स्पेस की तरफ, तो यहां मिलता है आपको बटन जिसको आप प्रेस करके अपने बूट को एक्सेस कर पाएंगे, और ये है इसका कुछ बूट ओपनिंग एरिया। एंड 7 सीटर कार है, तो यहां पर आपको सिर्फ 73 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। और ये इसका कुछ बूट है पूरा, यहां पर आपको एक लैंप मिल जाता है साइड में। बाकी अपनी सीट को अगर आप फोल्ड कर देंगे तो आपको स्पेस काफी ज्यादा मिल जाएगा बूट के लिए। बाकी आप इसको 7 सीटर कार की तरह भी यूज कर सकते हैं। आगे का पूरा कैबिन, ये इसका थर्ड रो का पूरा कैबिन, तो स्पेस कम मिल रहा है, यहाँ पर बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, बड़ों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। आप करते हैं बूट को बंद और बढ़ते हैं गाड़ी की सेकेंड रो की तरफ, और वहां पर देखते हैं आपको कितना कुछ स्पेस ऑफर किया जा रहा है इसके कैबिन में। ये इसके बॉडी कलर पे डोर हैंडल्स, इसमें आपको क्रोम भी ऑफर किया जाएगा। डोर ट्रिम की बात कर लें तो ड्यूअल टोन में आपको काफी हैवी से डोर्स ऑफर किए जा रहे हैं। नीचे मिलती है आपको रिफ्लेक्टर बेस है हैलोजन लाइट, ये इसका ग्रैब हैंडल, ऐसे कुछ आपको ब्लैक फिनिशिंग, यहां पर आपको डोर ओपनर, लॉक अनलॉक, पॉन्डो कंट्रोल, ट्यूटर एंड स्पीकर की प्लेसमेंट। रियर कैबिन की बात कर लें तो ये इसका सेकंड रो का पूरा कैबिन, यहां पर आपको फैब्रिक की सीट्स ऑफर की जा रही हैं।
मिलते हैं आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बैठते हैं गाड़ी के अंदर। मेरी हाइट लगभग 5 फुट 11 इंच के आसपास है, आपको इतना कुछ स्पेस मिलेगा सेकंड रो में, काफी अच्छा खासा मिलता है लेग स्पेस। फ्रंट आर्मरेस्ट यहाँ पर थोड़ा स्पेस, दो चार्जिंग पोर्ट्स, रियर आर्मरेस्ट भी आपको ऑफर किया जा रहा है। साइड में मिलता है आपको एक ग्रैब हैंडल एंड यहाँ मिलती है आपको एक व्हाइट लाइट, ये इसकी पैरानोमिक सनरूफ। फ्रंट डैशबोर्ड की बात कर लें तो ड्यूअल टोन में आपको डैशबोर्ड ऑफर किया जाएगा। अभी आप देख रहे हो इसके मैनुअल ट्रांसमिशन को। सामने जो मिलता है आपको सबसे बड़ा चेंज इसके टच इंफोटेनमेंट सिस्टम में। निकलते हैं गाड़ी के बाहर और बढ़ते हैं गाड़ी की ड्राइवर सिटिंग तरफ। जो मेजर चेंजेस किए गए हैं उनको प्रॉपर कवर करते हैं, तो ऐसे कुछ आपको बॉडी कलर पे मिलते हैं डोर हैंडल्स। इसमें मिलते हैं आपको क्रोम पार्ट रिक्वेस्ट सेंसर के साथ, बिकॉज इसमें मिलती है आपको कीलेस एंट्री। ड्राइवर साइड डोर्स में भी आपको एक रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन लाइट ऑफर की जा रही है, जो आपको रात में काफी मदद करेगी। इससे अपने ओआरएम को एडजस्ट कर पाएंगे एंड फोल्ड भी कर पाएंगे। ब्लैक फिनिशिंग, ग्रैब हैंडल, डोर ओपनर, लॉक अनलॉक, चारों पॉइंटो के कंट्रोल, नीचे थोड़ा स्पेस। ये इसका फ्रंट का पूरा कैबिन एंड फ्रंट में आपको इतना कुछ स्पेस ऑफर किया जाएगा। ये इसकी पूरी सेटिंग। एडजस्टमेंट मिलते हैं आपको हेडरेस्ट, यहां पर आपको हाइट एडजस्ट, रिक्लाइन दोनों का ऑप्शन दिया जा रहा है, इसको आप यहां से पूरा एडजस्ट कर पाएंगे। एंड नीचे मिलते हैं आपको मैनुअल के ABC पेडल्स, बाकी इसके ऊपर मिलता है आपको यहां पर बोनेट ओपनर। अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर से प्रॉपर सारे फीचर्स को कवर करते हैं। ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद ऐसा कुछ नजर आएगा आपको सामने का डैशबोर्ड ड्यूअल टोन कलर में। करते हैं इग्निशन को ऑन और देखते हैं यहां पर आपको कैसा कुछ क्लस्टर ऑफर किया जाएगा। ये इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, तो यहां पर आपको एनालॉग क्लस्टर ऑफर किया जाएगा जिसमें आपको सारी चेकलाइट, सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। एंड पहले से आप देखेंगे यहां पर आपको थीम एंड कलर काफी चेंज मिल जाएगा एंड इसमें आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन भी एड ऑन की गई है। 220 की मिलती है आपको टॉप स्पीड, अपनी MID को आप इस लीवर के थ्रू कंट्रोल कर पाएंगे। ट्रिप ए ट्रिप भी, रेंज, माइलेज, TPM, काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। स्टीयरिंग की बात कर ली जाए तो ऐसा कुछ आपको स्टीयरिंग ऑफर किया है, काफी अच्छी से मिलती है आपको यहाँ पर ग्रिप, यहाँ पर सिल्वर फिनिश, टाटा का लोगो, मल्टी मीडिया एंड टेलीफोनिक के सारे कंट्रोल्स यहाँ पर मिलते हैं आपको, सिर्फ क्रूज कंट्रोल। स्टीयरिंग के पीछे मिलते हैं आपको यहाँ पर रेन सेंसिंग वाइपर्स के कंट्रोल्स एंड यहाँ पर मिलते हैं आपको हेडलैम्प्स के सारे कंट्रोल्स। स्टीयरिंग के बाद आप बात कर लेते हैं गाड़ी के सेंटर कंसोल की, तो सबसे बड़ा चेंज आपको यहाँ पर मिलता है। अब आपको XT प्लस वेरिएंट में भी 10.5 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया जाएगा, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारपे, सबकी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। एंड यहां पर आपको पूरा थीम चेंज कर दिया गया है एंड रिवर्स कैमरे की क्वालिटी को भी काफी ज्यादा यहां पर इंप्रूव किया गया है एंड इसकी आप पूरी एनिमेशन देख सकते हैं। अगर रिवर्स कैमरे की बात कर ली जाए तो जरा मैं आपको रिवर्स गियर लगा के दिखाता हूँ। तो ये है इसका रिवर्स कैमरा, तो आप क्वालिटी देखेंगे पहले से काफी ज्यादा यहाँ पर इंप्रूव की गई है, जो कि आपको पहले आपको छोटी सी यहाँ पर डिस्प्ले मिलती थी, आप यहाँ पर बढ़ा के XT प्लस में भी 8.8 इंच की ऑफर की जा रही है। ये तो हो गए इसके टच इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात। इसी के नीचे मिलते हैं आपको यहाँ पर 2 AC के वेंट्स, यहाँ पर आपको हेजल लाइट का बटन, काफी सारे बटन एंड यहाँ मिलते हैं आपको AC के सारे कंट्रोल्स, फुली ऑटोमेटिक आपको AC ऑफर किया जाएगा। इसी के नीचे मिलता है आपको USB चार्जिंग पोर्ट, थोड़ा स्पेस। अभी आप देख रहे हो इसके 6 गियर मैनुअल स्पीड ट्रांसमिशन को, ये इसका मैनुअल हैंडब्रेक, काफी यूनिक डिजाइन में आपको यहाँ पर ऑफर किया जाएगा। यहाँ पर मिलते हैं आपको 2 कप होल्डर्स, ये इसका फ्रंट आर्मरेस्ट, ये आपको कूल्ड आर्मरेस्ट ऑफर किया जा रहा है। इसमें आपको एक 12 वाट का चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है एंड आगे का पूरा डैशबोर्ड आप देख सकते हैं। ग्लव बॉक्स की बात कर लें तो ये इसका कूल्ड ग्लव बॉक्स लैंप के साथ में। ये तो होगी डैशबोर्ड की बात। ऊपर की बात कर ली जाए तो पैसेंजर साइड आपको मिलता है वैनिटी मिरर कवर एंड ऑटोमेटिक लाइट के साथ। ड्राइवर साइड की बात कर ली जाए तो यहां पर आपको कोई भी मिरर ऑफर नहीं किया जाएगा। यहां पर मिलते हैं आपको 2 माइक्स, यहां पर मिलती है आपको व्हाइट लाइट जो कि मिलती है आपको LED में, यहां पर आपको सनरूफ के बटन, वन टच पैरानोमिक सनरूफ आपको ऑफर की जा रही है। एक बार आप प्रेस करेंगे तो सबसे पहले आपकी रूफ ओपन होगी, उसके बाद आपकी सनरूफ ओपन होगी। तो यही था इसके अंदर का ओवरऑल पूरा इंटीरियर, कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब निकलते हैं गाड़ी के बाहर, बात कर लेते हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो इसमें आपको ABS विद EBD सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी थेफ्ट अलार्म, सीट बेल्ट वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन एम्बलाइजर, क्रैश सेंसर, फॉलो मी हेडलैम्प्स, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, हील डिसेंट कंट्रोल एंड 6 एयरबैग्स आपको यहां पर ऑफर किए जाएंगे। अब बात आती है मेन चीज गाड़ी के प्राइसिंग की। तो अभी आप देख रहे हो इसके XT प्लस मैनुअल वेरिएंट को 19,63,000 रुपए इसका एक्स शोरूम प्राइस है और 22,82,000 की पड़ती है आपको ये ऑन रोड लखनऊ। तो यही थी टाटा सफारी अपने सेगमेंट के रियल SUV 7 सीटर कार। कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा। वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को लाइक कर देगा एंड स्पेशल थैंक्स टू SRM मोटर्स स्टेशन रोड 4 बाग लखनऊ। अगर आप कोई भी गाड़ी प्लान करें टाटा की तो आप यहां पर विजिट कर सकते हैं। मैं प्रियांश मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।